कोरोना वायरस से अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 91,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। वहीं इसी के साथ अब ये वायरस भारत में भी आ चुका है, जिस वजह से इस बीमारी से लोगों के अंदर भय की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से आज हम अपनी इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस से बचने के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस वायरस के सिम्टम्स और ये वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। कोरोना वायरस एक ऐसे वायरस की फैमिली से आता है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ तक हो सकती है। वहीं कोरोना वायरस वायरसेस की एक ऐसी फैमिली से आता है जिसके सिर्फ 6 वायरस ऐसे हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस के लक्षणों की बात करें, जब कोरोना वायरस होता है तो पीड़ितों को जुखाम, खांसी, सर दर्द, बुखार और गले में खराश होती है। वहीं इस वायरस से बचने के सिर्फ 2 उपाय हैं, जिनको आजमाने से ही आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये उपाय हैं कि आप दिन में कई बार हाथ धोएं और बीमार लोगों से दूर रहें। वहीं अब बात करें कि ये वायरस फैलता कैसे है, तो ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, किसी व्यक्ति के बिल्कुल करीब जाकर उससे बात कर दें, इसी के साथ किसी भी गंदी जगह पर जाने से भी ये वायरस फैलता है। इसी के साथ नॉन वेज यानी कि मांसाहार खाने से भी परहेज करें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।